बोलो बताओ किस बता रहे हैं संदूक के नीचे संदूक है नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीव जंतु प्रेमी स्नेक रेस्क्यूअर में। अभी अभी मैं अपने सैलून की दुकान पे काम कर ही रहा था कि मेरे पास कॉल आई हमारे गांव टाणादीपालपुर से कि एक घर के अंदर एक सांप देखा गया है, तो मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं। ये सुनील ग्रोवर जी का मकान है, इन्होंने बताया कि वो सांप इस संदूक के नीचे चला गया है। तो हमने धीरे धीरे यहाँ से सभी सामान को बाहर निकाला और जैसे ही हमने संदूक बाहर निकाली और निकालने के बाद यहाँ पे देखा तो चूहों ने बहुत ज़्यादा बिल बनाए हुए थे यहाँ पे। फिर हमने उन बिलों के अंदर पानी डालना शुरू किया और लगभग 1.5 बाल्टी ही पानी उसके अंदर डाला था और इतनी देर में सांप बाहर आ गया और हमने उसको रेस्क्यू कर लिया। ये एक वॉल्फ स्नैक है जिसको इंग्लिश में वॉल्फ स्नैक, हिंदी में सटक और मराठी में कवड़िया बोलते हैं। ये बिल्कुल बिना जहर वाला होता है, नॉन वेनमस होता है, लेकिन इसकी बार बार काटने की आदत होती है। तो देखिए चेहरा इसका किस तरह से बना हुआ है। इसकी गर्दन से ये पट्टियां शुरू हो जाती हैं, ये टिक्स जो होते हैं गर्दन से शुरू हो जाते हैं और पूंछ तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट होती है, इससे लंबे होते नहीं है, नॉन वेनमस, लेकिन बार बार काटने की आदत। तो चलो ठीक है, इसको हम एक सौ से जहाँ पर रिलीज कर देंगे। खून फिर खून खान भी आओगे नहीं होता इसमें। बहुत कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? हाँ, ये बैग हटा थी संदूक पे से तो उस पे ये ऐसे इकट्ठा होके बैठा था भाई। अच्छा जी। तो उसने बैग हटाया तो नीचे अदरक की थैली रखी थी उस पे पड़ा, तो ये चिल्ला के बाहर आ गई, वो उसके नीचे बढ़ गया फिर संदूक के। मैंने परवीन को बुलाया भाई, ये पकड़वा दिया। तो चलो ठीक है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने एक जीव की जान बचाई है और ये भी रुझान में जुड़े हुए हैं मेरे में जीवों को बचाने के लिए। तो चलो ठीक है, इसको जहाँ पर रिलीज कर देंगे। वेल्कम बैक। जो अभी हमने एक वॉल्फ स्नैक रेस्क्यू किया था हमारे गांव टाणादीपालपुर से, उसको हम यहाँ छोड़ने के लिए आए और बहुत अच्छा इलाका है यहाँ पर। यहाँ पर आसानी से रेस्क्यू रखा था, अब उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं।